गुड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थे सुबह की मॉर्निंग से ब्लॉग मेरा स्टार्ट है, बट अभी आप लोग से बातें अभी कर रही हूँ, बैठी हूँ हीटर पास। अभी ठंडक आज उतना नहीं है क्योंकि मैंने स्वेटर भी पहना था, बट स्वेटर को मैंने निकाल दिया। कारण क्या है कि मैंने कपड़े धुले ना, तो ये चीज़ जो होते हैं ना बाइंग से जो होते हैं यास्तीन, ये भीग जाते हैं। भीगने के कारण मैं भी यहाँ निकाल के रखी हूँ। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल भी धो लूँ, ठंडक कम है लेकिन फीवर भी आराम मिल रहा है। देखिए कैसे क्या होता है। तो अब प्लीज़ आप लोग को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए प्लीज़ यार, स्माइल के साथ। ये देखिए मेरा बच्चा काइट बनाया, हाँ सर बनाया अपने जो घर ट्यूशन वाले सर हैं उनसे काइट बनवाया है, इसलिए किसे भेजना है स्कूल में और लेके जाएगा सुरेया दीदी हमको। ठीक है, हाँ हम दिखा दिए जाइए। तो यहाँ पे ये काइट बन गई है, ये स्कूल में रिसीव होगा, फिर रिसीव इनको नंबर मिलेगा। तो और मेरे क्लास में एक लड़का है अभिनव यादव, वो काइट का वीडियो बना के भेज गई, कट गई। वाह कटे, चलिए आइए इसको रख के आइए, जिससे हटाइए हमको इस चीज से। मैम भी बड़ी गजब की है, पहले तो कुछ बोलती नहीं है, अब बोल रही है क्या आप काइट बनाते समय वीडियो पूरा बनाइए कि आप प्रॉपर तरीके से कैसे बनाए हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों ने जब उसे आप पहले बोलना चाहिए था, जो मेहनत बच्चों ने किया फिर से रिटर्न करेंगे, नहीं करेंगे। कितनी मुश्किल से काम होता है, कोई छोटे से बच्चे हैं एकदम 6 साल के, 6 साल के है, 7 साल का हो जाएगा, 2 साल बाद में बेटा गिर जाएगा ना, स्कूल भेज देना। यहाँ बैठी हूँ आप लोग से बातें कर रही थी, अब चली हूँ कुंभ करूंगी, कुंभ करने के बाद आप लोग से थोड़ा सा बड़ा काम कर लूँ, थोड़ी सी एनर्जी, कपड़े उपड़े धुल के आई हूँ। मैंने कल से ही बड़ी वाली ये बिंदी लगाई और मुझे थोड़ी सी अच्छी भी लग रही थी, मैंने लगा ली तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कल से ही लगाई हूँ। और कभी कभी ना जैसे जो आदत नहीं, हैबिट में नहीं रहती वो चीज़ें बहुत अजीब सा थोड़ा लगता है, स्टार्टिंग बाकी बस सही रहता है सब। बस बोला है एक थो परेता और एक थो 5 रुपये वाली काइट और 4 थो 10 रुपये वाली काइट, बस ठीक। और नायलॉन बोले हैं, चाइना मंजा बोले हैं, हीरो मंजा। अभी ये अपना हीरो बन के निकल रहे हैं, हम परफ्यूम क्यों लगा कहीं और हमको घर में बीमार करा के बैठे, इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं करा रहे हैं। गुम्मिक जाना है, अभी 1 जनवरी को गए थे, अब कहाँ जाना है, अब मेरा मुख से नहीं अब जाना वहाँ BHU विश्वनाथ जी। क्या बोले सबमिट कर दूंगी मेरा कॉपी किताब, तो हम बोले नहीं, तो क्या है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, गंदे लोग बुलाओ बुलाओ हम सिखा दे ना ये हाल रूम का देखे और वहाँ बच्चों का कैसे फैला कॉपी, तब डेली का हो रहा ऑनलाइन क्लास, अब इनको जा रही है मोबाइल, पहले मैं इनको मोबाइल दे देती हूँ। 12 बजे जा रहा है और इनकी मोबाइल नहीं देती हूँ, उसके बाद मैं चल रही हूँ। पकड़िए आप यार, ये तो पूरा खेल नहीं बदरी, धूप कहाँ हो रहा, देखिए कितने परसेंट है, 70 हो गए ना, और क्या चाहिए, ओके कटिंग कर देंगे, निकाल दीजिए। अब देखिए सारा काम डिब्बा उसका आप उतारिए, हम इस करवाते हैं, लो जी दे आओ, हम ही को दे सारा काम। कहाँ है यहाँ पे झोला एक था ना, कहाँ पे है ये झोला, इतने बड़े भी नहीं, छोटे यहाँ पे एक रखे हुए थे, नहीं दिख रहा क्या हुआ। मेरी मोबाइल हो गई है डिस्चार्ज क्योंकि बच्चों ने किया है ऑनलाइन क्लास तो अब मैं अपने मोबाइल को लगा दूंगी चार्ज में और जो जो भी काम है सारे तब तक मैं ऐसे निपटा लेती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग के साथ
नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाऊंगी इन्हें मोबाइल डिस्चार्ज एकदम आ गया है 10 पॉइंट पे, तो अभी हो जाएगा वो एकदम स्विच ऑफ, इसलिए मैं उसे लगाऊंगी और ये सब जो है सारा सबमिट करूंगी, फिर अपने बाल धुलूंगी, देखती हूँ क्या क्या काम है, सब सही करूंगी, उसके बाद मिलूंगी। बजे हैं 12, आप लोग फिर देख लिए, तब तक आप मोबाइल को चार्ज होने दीजिए जी, एनर्जी की ज़रूरत है। वैसे यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कलाकारी करने जा रही हूँ जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं जो चिनिया बादाम होता है, मूंगफली लोग कहते भी हैं, चिनिया बादाम भी कहते हैं, तो इसे मैं भून रही हूँ। इसे भून के मार्केट से जो आएगा वो आएगा, थोड़ा सा इसका फ्लेवर मैं चेक करना चाह रही हूँ कैसा होगा। मैं घर पर अगर बनाती हूँ गुड़पट्टी, तो जिसे बहुत लोग चिक्की भी बोलते हैं, गुड़पट्टी भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बनारस में गुड़पट्टी ही बोला जाता है, बट मैं इसे ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। पहली बार अभी इसे फ्राई भून लिए है गुड़, और गुड़ को मैं चल रही हूँ गुड़ के स्टाइल में ट्राई करती हूँ कैसे बनता है गुड़ गाड़ी। ये देखिए वाह वाह, मैंने क्या ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसे होते हैं ये गुड़ के फ्लेवर। ये देखिए गलते जा रहे हैं आराम से, मुझे फोड़ने की इतनी मेहनत करनी सोच रही थी मैं, फालतू का चीज़ सोच रही थी कि गलेगा नहीं, मैं कैसे करूँगी मैं कैसे करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करते ही देखिए बहुत अच्छे तरीके से गलने लगा, अब तो गल जाता है। तो चलिए मैं किसी को दिखाना चाह रही हूँ आप लोग को, कहाँ पर है उसमें कुत्ते थे, अरे वाह बोल दीजिए। ये उस बगल वाले जमीन में इसमें कूद चुकी थी और कूद के निकली हैं, तो उसने से ये लकड़ियाँ लेके, इनका देख लीजिए हालात कैसे। ये जलपा है, इसको क्या करेंगे, तो आप लोग ने देख लिया। तो ये बूढ़ी सी, इतनी बूढ़ी औरत है और इतना ये गड्ढा जमीन है, 5 फीट नीचे है जो बगल में मेरा जमीन है, उस बगल में है जिसका तो पहले का खानगी है, हम लोग तोड़ ही नहीं पाते हैं। ये पत्ते उत्ते लेके फिर कूद गई, इधर आ गई, मैं तो सोचती रह गई और मैंने इस चीज़ को मिस कर दिया, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं तो गुड़पट्टियाँ बना रही थी, मम्मी आई बताई कि अरे वो इतनी जलपा बूढ़ी सी थी ऐसे कूद गई। तो मैंने आप लोग को क्या दिखाने के लिए, इसीलिए इतनी बूढ़ी औरत कैसे गिरी, कैसे उसमें कूदी, कैसे निकली, मैं यही मैं वीडियो दिखा रही थी। वो इतनी बूढ़ी बाबा रे, वो बगल वाली ज़मीन से घुस के तड़ातड़ कूदी है, कूदने के बाद सारा वो उसमें घुसी, वो जो इतनी बूढ़ी सी औरत थी, अभी मैंने आप लोग को दिखाना, इतनी बूढ़ी सी है, सारा सामान कैसे कर लेती हैंडल, बाप रे मैं तो कर ही नहीं पाऊँ। बेबो नीचे आइए तुरंत, और ये औरत यहाँ पे, वो औरत खड़ी थी तो मैं भी यहाँ बात ये इधर ही कहीं पास की, क्योंकि ये सबको जानती है जिसका ज़मीन वगैरह है, क्योंकि मम्मी सोई बोल रही थी, देखिए साड़ी पहन रही थी, क्योंकि उस तरीके से बांध लेती हैं कि कूदने में आसानी रहे, किसी के भी ज़मीन में कूद जाओ फटाफट सामान ले लो, थोड़ा भी दिक्कत ना हो इस तरीके का। ये देखिए अब अपना सॉल वगैरह ओढ़ेंगी, ऐसे लोगों को हम लोग तरस खाते हैं कि अरे कैसे क्या करेंगे, इनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन तरस तो अब हम लोग के ऊपर खाना चाहिए, हम लोग जो बेकार हुए हैं, ये लोग तो इतनी जवान समझे हैं, क्या बताएं, सोच के तो हंसी आ रही है और देखे तो और भी हंसी आ रही थी। तो ये सब बगल वाली जमीन से ही कूद के निकाली हैं, अब लोग देखे नहीं इतनी बूढ़ी सी थी, उस जमीन में कूद के फटाफट फटाफट सारा काम कर ली बाबा रे। और मैं बना रही थी कुछ और, मैं दिखा रही, मैं कर रही थी ना ये गुड़पट्टी वाला, जा रही थी बनाने और मैं लगी हूँ उनका वीडियो बनाने और देखने, मुझे मम्मी आप बताई वो जमीन में फटाक से कूदी, सब थोड़ी तड़ता और सब लेके निकल गए, फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी पावर, हमको भी दे भगवान इतनी ज़्यादा एनर्जी, पूरा पावरफुल बन जाए वो, सारा काम कर डाल। मैं आपसे बातें करूंगी तो पापा जी आ जाएंगे, फिर मैं गुड़ पार्टी जो बना रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी, पहले मैं जब तक गुड़ थोड़ा थोड़ा होता है तब तक मैं इसको रगड़ोगड़ लेती हूँ, ये सब काम कर लेती हूँ।
जो ये है दाने से मैं ऐसे ऐसे बेटर इसके सारे छिलके निकल जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हाथ मेरे कैसे हो गए, वही माँ रेड रेड। और इधर गुड़ के लिए जला दूँ। और यहाँ पे मैं मूँगफली को रगड़ ली थी, उसको अब साफ कर रही थी खूब खूब कर। और इधर मेरा गुड़ पक रहा था, अब मैं चली हूँ इसको गुड़ में डालती हूँ। देखने के डालने के बाद इसका देखती हूँ कैसा क्या रंग आता है, तो इसका भी रंग आप ये देखिए मेरा ये साफ़ हो चुका है। और इधर गुड़ मेरा पक रहा है, मैं इसमें डालूँगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। हो गया है, मुझे लग रहा है सब गल गए हैं। अब इसमें क्या क्या है, थोड़े से गुटके उठे हैं तो इसे मैं गोल कर देती हूँ, बस थोड़ा सा है। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अब इसमें चाशनी कैसे बनती ये तो मुझे नहीं आता भैया, इस कलर से पता, लेकिन कोशिश जो है वो है। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, स्मेल कर रहा है। मैं सोच रही हूँ इसे बंद कर दूँ। इसे बंद करने बाद मैं सोच रही हूँ अभी इसको इसी में ऐड कर देती हूँ। ओके, ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे ज्वाइन कर देती हूँ। इसके देखते हैं कैसे होते हैं फ्लेवर, खाने में कैसे लगते हैं। अब मैं इसे गोल गोल ही रखूँगी, ये नहीं वो जैसे गुड़पट्टी होता है। ऐसी कढ़ाई हिल जा रही है नीचे, इधर आ गई, चलाते चलाते इतनी एनर्जी। ये देखिए मैंने क्या स्टाइलिश बनाया है बाबा, लेकिन इसका वो स्वाद नहीं आया मुझे। उसमें थोड़ा सा लग रहा था गुड़ अधिक, तो मैंने इसमें लाई का भी फ्लेवर मिला दिया, ऐड कर दिया। वाह वाह कितने अलग अलग फ्लेवर। यहाँ देखिए ये फ्लेवर कुछ बहुत बढ़िया से बन गया है। अब इसे गोल गोल मैं बनाऊँगी और आप लोग भी खा लीजिए, देख के तो मुँह में पानी आ ही जाएगा। आप लोग के भी इसमें दो दो फ्लेवर है, मूँगफली चिनिया बादाम और लाई। वाह। तो गाइस देखिए मैं गरम गरम इसे गोला गोला बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत छोटा छोटा रहेगा ना फ्लेवर, अच्छा लगेगा। इधर देखिए मैंने चार पीस बना दी, इधर पांचवी पीस जा रही हूँ बनाने। इधर दिखाओ, ये देखो, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा खाने में, और देने में किसी के सामने देने ना बहुत ही टेस्टी लगेगा सच में। छोड़ो बोलो तो मेरा मन नहीं मान रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे छोटा छोटा अगर हमें किसी के सामने भी देना हो ना, ओ हो जले हैं हाथ, क्योंकि ये गरम गरम थोड़ा मलाएगा भी, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। किसी को आपको देना हो किसी के सामने पानी उनी पीने के लिए या कुछ भी आपको ऐसा लगे तो आराम से दे सकते हैं बेझिझक, थोड़ा भी मन में ऐसा तो एकदम मत सोचिएगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है क्वांटिटी में है। क्वालिटी ना पूरी क्वांटिटी में है बदला हुआ। बहुत दुख की खबर है कि मैंने इतना ढेर सारा बनाया, इसे डिब्बे को भर के बनाया था, बट लोगों ने खा के दो दो चार दो छः सात पीस छोड़ा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सब देखिए ये सब है, एक गुड़पट्टी है इधर, ये तिलकुट क्या क्या है, ढेर सारे सब सामान है। उठेंगे नहीं, बहुत बड़े हैं, देखने से छोटा पैकेट लग रहा है लेकिन है बड़ा पैकेट, क्योंकि टप में रखा हुआ है। तो मैं इसे अब आप लोग को पास में करके दिखाऊँगी तो अजीब लगेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आ रहे होंगे ये सब चीज़ें। तो मुझे उसे ट्राई करना था, मुझे ट्राई करके सीखना था बनाना था, इसीलिए मैंने कोशिश किया। और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ आप लोग के साथ भी। कारण क्या है कि जो हमारा काम होता है ना वो हमें करना चाहिए, हम लाख हो या ना हो कुछ भी हो, लेकिन कोशिश हमेशा फूल होना चाहिए।